अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सौतेली ममता के एपिसोड 97 में आप देखेंगे कि मिनाहिल अली के पास आती है और उससे कहती है कि भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जिस पर अली कहता है कि पूछो। जिस पर मिनाहिल कहती है कि भाई क्या आप महनूर को पसंद करते हैं। मिनाहिल की ये बात सुनकर अली बहुत हैरान हो जाता है। तो दूसरी जानिब आप देखेंगे कि महनूर अली को कॉल करती है और उससे कहती है कि अम्मी मेरी शादी मेरे कज़न शावेज़ के साथ करवाना चाहती है, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं तुमसे दूर रहने का सोचती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मेरी रूह निकल जाएगी। और इसी दौरान महनूर के कमरे में दानियाल भी आ जाता है और वो महनूर की बातें सुन लेता है। इसके बाद प्रोमो के आखिर में आप देखेंगे कि मिनाहिल जवेरिया से ये कहते हुए सुनाई देती है कि तुम्हें यासिर को इस तरह घर नहीं बुलाना चाहिए था। तुम्हारी और उसकी दोस्ती यूनिवर्सिटी तक ठीक है लेकिन उसे घर बुलाना ठीक नहीं है। जिसके जवाब में जवेरिया कहती है कि ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ बुलाऊँ, तुम्हें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। और वो मजीद कहती है कि हमने फ्यूचर में बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर बड़े अब्बू से मिलवाने के लिए बुलाया था। जवेरिया की ये बात सुनकर मिनाहिल बहुत परेशान हो जाती है। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यासिर जवेरिया से शादी करेगा या फिर नहीं? हमसे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें। और मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास की अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल ड्रामास रिव्यू को सब्सक्राइब करें।